हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो गैस सिलेंडर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, कैसे फिट किया जाता है, किसे किस तरीके से इसे निकाला जाता है, किस तरीके से सील तोड़ा जाता है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले जब आप गैस सिलेंडर खरीद करके लाते हैं तो आपको सील तोड़ना होता है। इसके लिए आपको चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल करके इसका सील को कट कर लेना है। तो मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, और एक हाथ से मैं कटिंग कर रहा हूँ इस ब्लेड से। पहले इस सील को मैं तोड़ूँगा। तो ये आप बहुत ही आसानी से सील को निकाल सकते हैं किसी भी चाकू या ब्लेड के इस्तेमाल करके। काफ़ी बार तो लोग हाथ से ही इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए, मैं इसे ब्लेड से हेल्प लेकर के इसका सील को निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो ये आपका प्लास्टिक निकलेगा, इसे आप डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो ये जो कैप है, इसे भी निकालने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से पीछे की ओर खींचना है, और हल्का सा खींचने के साथ साथ ही आपको नीचे से ऊपर की ओर उठा देना है। बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, देख सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाता है। पीछे की ओर खींचना, साथ में ऊपर खींच लेना है। तो इस तरीके से आप गैस सिलेंडर का कैप भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, चलिए अब किचन चलते हैं, लगाते हैं। तो मैं किचन आ चुका हूँ। अब सबसे पहला जो काम करना है, आपको गैस स्टोव जो भी है, चूल्हा, उसका कनेक्शन को ऑफ कर देना है ताकि लीकेज वगैरह ना हो। गैस आपका देख सकते हैं, गैस चूल्हा हमने दोनों को चेक कर लिया, बंद होना चाहिए, दोनों को मैंने बंद कर दिया। अब चलिए गैस सिलेंडर का जो मेन कनेक्शन होता है उसे हम लगाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। तो ये भी आपको ऑफ स्थिति में ही लगाना है, ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ऑफ है। जब आप इसे घुमाएंगे और इस तरीके से रहेगा तो ये ऑन है और ये नहीं लगेगा इस स्थिति में। देख सकते हैं यहाँ पर नॉब निकला हुआ है, जहाँ पर मैंने एरो दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब ये ऑन रहेगा गलती से भी आपका, तो ये आप जब लगाएंगे, फिट करेंगे, सही से फिट होगा नहीं और गैस लीक करने का संभावना 100% बढ़ जाएगा। हालांकि लीक नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। तो हमें गैस चूल्हे के साथ साथ इसे भी ऑफ़ कर लेना है, और ऑफ़ करके ही लगाना है। जो वाइट वाला नीचे है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, दोनों हाथ से उसे पुल करना है, दबाना है। देख सकते हैं स्प्रिंग लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ कैप को, और मैं गैस सिलेंडर को थोड़ा साइड करके लगाता हूँ। तो इस तरीके से दोनों हाथों से वाइट को ऊपर की ओर खींचना है, स्प्रिंग ऊपर की ओर खींच के इसे वहाँ पे ले जा कर के हल्का सा दबा देना है। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, आप देखते रहें। यहाँ पे मैं गैस सिलेंडर को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ताकि पाइप इधर उधर ना रहे। तो मैं यहाँ पे ला चुका हूँ, देख सकते हैं मैं लगा नहीं है, कैमरा थोड़ा नज़दीक कर दूँ। तो वाइट वाला जो स्प्रिंग जिसमें लगा हुआ, उसे ऊपर की ओर खींचना है और हल्का सा दबा देना है ऊपर हाथों से, जोड़ लगा के घुमाते हुए, तो और आसानी से लग जाएगा। बस हो गया, ये आपका फिट हो चुका है, लग गया। ये आपका कनेक्शन देख सकते हैं ऑफ है, यहाँ से आप घुमाएंगे तो ऑन होगा और फिर जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गैस यूज कर सकते हैं। चलिए, अब जब रिफिल करवाना है गैस सिलेंडर तो क्या करना होगा, सेम तरीके से आपको ये दोनों हाथों से ऊपर की ओर खींचना है, ऑफ करके। गैस ऑफ होना चाहिए, कनेक्शन गैस का और चूल्हे का भी बेहतर रहेगा। तो दोनों हाथों की ओर से इसे भी पुल करके खींच लेना है ऊपर, आसानी से खुल जाता है।